नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 के हिंदी की पुस्तक कलरव के पाठ 12 स्टेशन के नवाचार अभिनव शिक्षा तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ स्टेशन के माध्यम से रेलवे स्टेशन की वस्तुओं की पहचान और उससे जुड़े व्यक्ति तथा सावधानियां, स्वच्छता और गिनती पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता ये है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए इस गतिविधि का आनंद लेते हैं और अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं तथा अभिव्यक्ति की कला और लेखन शैली का विकास करते हैं। इस नवाचार की यदि क्रियान्वयन प्रक्रिया को देखा जाए तो इसके अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ के संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार इत्यादि की पर्ची के माध्यम से रेलवे स्टेशन से जुड़ी भी वस्तुओं की जानकारी और रेलवे स्टेशन से जुड़े व्यक्तियों की जानकारी तथा गिनती की जानकारी को दोहराया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि 20 मिनट रखी गई है। पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक को एक रंगीन चार्ट पेपर, एक स्केच पेन और एक बॉक्स की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है, जैसे गतिविधि कराने से एक दिन पूर्व ही छात्रों को पाठ से संबंधित नए शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात, समाचार इत्यादि की पर्ची बनाकर लाने को कहा जाता है। छात्र पर्ची के पीछे अपना नाम व कक्षा भी लिखते हैं। इसके बाद शिक्षक पर्ची से बनाकर लाई गई पर्ची को जो है उसमें डालते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ में आए नए शब्दों, वाक्यों से जुड़ी पर्ची बनाकर पाठ का पुनः अध्ययन कराया जाता है। आइए अब समझते हैं कि इस गतिविधि को कैसे लागू करते हैं। शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाठ का निर्माण व व्याख्या की जा चुकी हो। गतिविधि कराने से पहले बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजा दिया गया हो, जिससे कि छात्रों की उत्सुकता इसमें बनी रहे। अब गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। शिक्षक पूछते हैं कि आज हम एक बॉक्स के माध्यम से खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? सभी छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं, बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं। इसके बाद छात्रों को बताते हैं कि आज हम जो खेल खेलेंगे उसका नाम शब्द सागर है। अब शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं और पहले से बनाकर लाई गई पर्चियों को बॉक्स में डलवाते हैं। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। माना अब एक छात्र आगे आता है, बॉक्स से पर्ची निकालता है और बुलंद आवाज में उसे पढ़ता है। पर्ची पर माना TTE शब्द लिखा है, तब छात्र TET शब्द बोलेगा और वाक्य बनाकर बताएगा कि TET ट्रेन में हमारी टिकट चेक करते हैं। इस प्रकार एक एक कर सभी छात्र आते हैं और गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ स्टेशन से नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे स्टेशन से जुड़ी वस्तुओं, व्यक्तियों के बारे में जानना, उनके उपयोग और उनकी वस्तुओं के महत्व के बारे में समझना, भाषा की बारीकियों को समझना और अपनी भाषा तथा स्कूली भाषा के बीच संवाद करना, कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ विकसित करते हैं तथा इस गतिविधि में सभी छात्रों की भागीदारी भी सुनिश्चित होती है, सभी को समान अवसर भी प्राप्त होता है। इस नवाचार में PRP अनुपात का तो ध्यान रखा गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ स्टेशन एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता व पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं तो कहा जा सकता है कि ये नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।